हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना और मैं आज आया हूँ अपने स्पेशल बेटर हाफ के साथ, आकांक्षा के साथ। और शादी से पहले मैं इसको एक ट्रीट देना चाहता था क्योंकि शी लव्स हैविंग इंडियन फूड, एंड इसको मैं ट्रीट देने वाला हूँ महाराजा भोग में, जो आप छोटी दिवाली पे, क्योंकि इसको वैरायटी पसंद है और थाली से अच्छी जगह नहीं होती वैरायटी के लिए। सो लेट्स गो एंड अंदर जाके बातें करते हैं, ढेर सारी बातें हैं, एंड लेट्स सी शादी में क्या क्या होने वाला है। कम अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप खाने की इतनी शौकीन हैं, मैं खाने का इतना शौकीन हूँ, तो ऑफकोर्स आपने पहले थाली खाई होगी, बट काफ़ी बार आते हैं थाली खाने महाराजा भोग में। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का वैरायटी, एंड आकांक्षा आल्सो लव्स इट। सो व्हाट बेटर डे देन छोटी दिवाली। आई एम वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ इंडिया फोरम एज वेल। और आप हमारे साथ नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन हम ये समझेंगे कि आप हमारे साथ यहाँ पे लंच कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हैप्पी छोटी दिवाली, दैट्स इट। तो इससे पहले कि हम पेट पूजा करें और जो इतना टेस्टी खाना है, लजीज जो फूड यहाँ पे मिलता है वो खाएं, उससे पहले हम थोड़ी और बातें करते हैं, थोड़ी मज़ेदार बातें करते हैं, और उसके बाद साथ में खाना भी खाते रहेंगे। फ़नी दास्तान है, अब क्योंकि जिनको भी मैंने सुनाया उनको लगता है कि किसी शो का सीन है या किसी मूवी का सीन है, तो ये मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपने मुझे कई बार सुना है, बट इंडिया फोरम के सारे व्यूअर्स को, और मैं चाहता हूं कि आकांक्षा खुद अपने हाथ से बताएगी कि हम कैसे मिले और क्या हुआ। हम एक ऑडिशन में मिले और वही हुआ जो होना था। मतलब ऑडिशन हो गया, ऑडिशन हो गया, ऑडिशन हो गया, हम सिलेक्ट हो गए एंड हमने शूटिंग स्टार्ट कर ली, दैट्स इट। ये सब झूठ है, अब सच बताइए। हमें ना वो सीरियल करना था, ना हमें करने का इच्छा थी, और ना ही होता, तो इसलिए मतलब वो ऑडिशन था, हमें मिलना था, हमें ये हमारी डेस्टिनी थी कि हमें मिलना था। और मुझे हमेशा लोग पूछते थे इंडिया फोरम से, इतने मुझे मैसेजेस आते थे कि व्हेन आर यू सेटलिंग डाउन एंड कब हो रही है शादी, क्या हो रहा है। तो अब वो फाइनली दिन आ रहा है, एंड 24 नवंबर आई एम गोइंग टू बी ऑफ द मार्केट लीगली, एंड होपफुली ये है। बट उनका सवाल अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, हो सकता कि हम मिले कैसे थे, तीन लाइन में आप जल्दी बताइए। हम ऑडिशन पे मिले और हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, और मुझे नहीं पता था गौरव कौन है, और गौरव को बड़ा मज़ा आ रहा था ये सोचकर कि इसे नहीं पता है मैं कौन हूँ, तो गौरव भी मेरे साथ, मतलब क्या, व्हाट वर यू डूइंग? आई वाज जस्ट प्लेइंग अलोंग। या और मैं इन्हें ज्ञान बांटने लग गई कि इंडस्ट्री में कैसे आना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एंड ये काफ़ी एक घंटे तक ये कॉन्वर्जेशन ऑन था। उसके बाद में फाइनली गौरव ने मुझे बताया कि वो कौन है, वो भी मैंने गूगल किया, और उसके बाद मैं इतनी एम्बेरस हो गई कि उसके बाद मैंने कुछ भी बात नहीं की। तो बेसिकली व्हाट आई लाइक्ड अबाउट आकांक्षा, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट डिड यू लाइक इन द गर्ल, सो व्हाट आई लाइक्ड इन आकांक्षा वॉज दैट शी वॉज अ वेरी सिंपल, शी स्टिल इज अ वेरी सिंपल गर्ल, एंड शी अंडरस्टैंड्स माई ह्यूमर, शी अंडरस्टैंड्स हाउ मैड आई एम, बट शी इज़ लिटिल मोर मच्योर देन मी, एंड आई थिंक शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी ऑल्सो। बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि इसने मुझे पहचाना नहीं, एक तो टी वी की ऑडिशन दे रही थी, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं शाहरुख खान हूँ या कुछ हूँ, बट यू नो टी वी में एक नोन फेस होता है, यू माइट नॉट नो माई नेम, बट आपको लगता है कि इस लड़के को कहीं देखा है या कहीं एड्स में देखा है, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पहचानी, और मुझे बड़ा मज़ा आया ये देख के कि यार ये पहली लड़की मुझे ऐसी मिली है जो मुझे बता रही है कि टी वी में कैसे एंट्री लेनी चाहिए, एड्स कैसे करने चाहिए, और अगर एक्टर बनना है तो क्या होना चाहिए। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, एंड आई थिंक दैट डिड इट फॉर मी, वो जो स्पार्क था वो माइंड ब्लोइंग था। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ऐसा नहीं था कि मैं लाइक मुझे लगा कि मैंने देखा है टीवी पे ही कहीं देखा है, बट आई कुडंट प्लेस हिम अप्रोप्रिएटली कि कहाँ देखा। ऐसे ये लगा कि ऐसी गंदी शक्ल वाला थोड़ी ना टीवी पे होगा, तो शी स्टार्टेड गिविंग सम ज्ञान। नहीं अच्छा, मुझे लग रही भूख, तो हम खाना भी खाएंगे और साथ में आपसे बात भी करेंगे।
बहुत ही फन लविंग है. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन दैट आई हैव मेट टिल डेट. ही इज़ वेरी मेटिकुलस, वेरी प्रोफेशनल एंड गुड एट एवरी थिंग दैट ही इज़ डन. लाइक मैंने अभी तक जो कुछ भी देखा है गौरव हर चीज़ में एक्सीलेंट है. तो आई थिंक ही जस्ट मैनेजेस टू व्हाट डू यू से सरप्राइज मी एवरी टाइम. मत करो, मैं तो वैसे ही लंच करा रहा हूँ तुम्हें, सच बोल सकती हूँ. सच ही बोल रही हूँ. देर आर वेरी फ्यू क्वालिटीज इन गौरव. ये आई थिंक मेरे को बहुत सारा फैन मिल आया था कि they always want to know ki maine itne sare romantic shows kiye hain. Are you romantic? So, am I romantic in real life or not? Kyunki mera hi manna hai main nahi hu. So hum inhi se pooch lete hain jinke sath main actually hu. The problem ye hoti hai ki jab Gaurav romance karte hai to mujhe lagta hai ki wo acting hi kar rahe hai, to wo moment hi nahi ban pata hai. So that is the thing. So ha, Gaurav kafi romantic hai. एंड काफी रोमांटिक चीज जो मैंने आपके लिए की हो कभी पुल ऑफ भी कर लेते हैं, बट फिर मैं बिलीव नहीं कर पाती क्योंकि मुझे लगता है यार ये लाइन तो सीरियल वाली होगी. आई एम श्योर ये सीरियल में लाइन यूज किया होगा. एक बात कभी जो रोमांटिक आपको मेरे बारे में लगी हो या मैंने किया हो कभी भी? Because I'm, ये actually they want to know. मेरे से पूछते हैं तो मुझे पता नहीं चलता मैं क्या बोलूं. गौरव ने अभी रिसेंट में एक बहुत रोमांटिक चीज की है. उन्होंने करवा चौथ पे मुझे नई गाड़ी गिफ्ट की है. तो इट इज हिज वे ऑफ शोइंग लव. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यार देखो, इतने सालों के बाद अच्छी एक अच्छी लड़की मिली है शादी करने के लिए, तो उसको तो हाथ से नहीं जाने देने का ना. तो सारे जो लड़के हैं जो बाहर वहाँ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, मेरा तो पर्सनल गाड़ी गिफ्ट करो उसे. जो चीज़ अच्छी लगती है आप ज़रूर करिए. एंड ये मैंने तो ऑन द जॉब सीखा है कि हमारे जो सीन्स होते थे कि तो कई चीज़ें मुझे एक्टिंग के थ्रू भी बहुत पता चल गई कि अच्छा ऐसे भी रोमांस किया जा सकता है. सो ये गाड़ी देने वाला जो था ये तो मेरा बेसिक था कि बिकॉज आई न्यू शी लाइक बिग कार्स, एसयूवी टाइप कार शी लाइक्स. तो मैंने कहा दैट्स अ गुड डे एंड शी इज़ कीपिंग द फर्स्ट करवा चौथ इन हर लाइफ फॉर मी. सो इट हैज़ टू बी अ रिमेम्बरेंस. सो दैट्स व्हाई आई गिफ्टेड हर विद अ कार. मेरे को तब रियलाइज हुआ जब मैं आकांक्षा से मिला और मैंने इसको थोड़ा और जाना. And I started speaking to her, and जो initial phase होता है, initial infatuation phase होता है generally. Once we were over that, then we started to know each other little better. And then I realized that she is the perfect girl for me because जैसी मेरे को लड़की चाहिए थी, I wanted a girl who I could go out with and who I could take home to my mother also. So that was the right mix and I'm very lucky ki she has been brought up very well. Akanksha ke mom and dad ne isko kafi grounded rakha hai and iske pair zameen par hain, jo woh bolna chahta hu lambi bahut hai lekin pair zameen par hai. So I'm very happy ki she is the right life partner I could look for. And then when I realized, I spoke to my mom, then she met Akanksha and everybody was damn happy ki बाहर से हीरोइन है और दिमाग से इंटेलिजेंट है तो और क्या चाहिए, है ना? सही बात है ना? अच्छा, मान भी रही है. बेस्ट पार्ट है, इसकी तारीफ करो तो सब मान जाती है, कहती हाँ मैं हूँ ऐसी. When did I realize that Gaurav was the guy? I think द बेस्ट पार्ट अबाउट गौरव इज गौरव ने मुझे कभी पूछा ही नहीं शादी के लिए. तो मुझे तभी रियलाइज़ हो गया यही लड़का ही इज द राइट गाय. बिकॉज बिना पूछे ही सब कुछ इतना स्मूथली हो गया, तो वो क्वेश्चन का कोई रिलेशन ही नहीं था. एंड बिकॉज जैसे गौरव ने कहा, हम दोनों के फैमिलीज ने एक दूसरे को अप्रूव कर लिया था, तो पेरेंट्स का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज गौरव हैड मेट माई पेरेंट्स, दे रियली लव्ड हिम. And the same side with Gaurav's family as well. So I think उसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो मतलब आपको मेरे से शादी करनी नहीं थी, माँ बाप मान गए तो आप कर रही हैं, ये कहना चाहती हैं आप? हाँ, अब मैं क्या करूँ? देखो, अब तो कार्ड छप गए, अब करना पड़ेगा. आइडिया था गौरव का, और सारा आइडिया एक्चुअली गौरव का था. एंड गौरव ने बड़े स्मार्टली आइडिया मेरे सामने रख दिया, और उसके बाद का जितना आफ्टर जॉब था वो मेरे ऊपर आ गया. मैं एक्चुअली शूट कर रहा था, तो मैं जब आकांक्षा से मिला तो मैंने कहा कि
मेरे को एक रेगुलर वेडिंग कार्ड नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग ने बचपन से देखा है रेगुलर वेडिंग कार्ड्स होते हैं, लोग देखते हैं, तारीफ करते हैं, भूल जाते हैं. तो मैंने आकांक्षा से कहा था हम एक ऐसा वेडिंग कार्ड बनाएंगे जो लोग इवन आफ्टर द वेडिंग प्रिजर्व करके रखें, कुछ अलग हो, कुछ नया हो. तो इसने मुझे देखा, इसने कहा ऐसा क्या होता है. मैंने कहा नहीं, मेरे दिमाग में कुछ है. तो मैंने पेंसिल ली, एक पेपर लिया, मैंने ड्रॉ करके इसको दिया कि ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा होगा. सो 5 मिनट ये मेरे को ऐसे देख रही थी. मैंने कहा क्या हुआ? कहती है ये वेडिंग कार्ड है. मैंने कहा हाँ थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन उसके बाद का सारा भी एग्जीक्यूशन जो है वो आकांक्षा का था. सो आई एम वेरी हैप्पी इट केम आउट नाइस एंड पीपल आर लविंग इट. थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, आई अग्री, बट हम इस थोड़ा इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट इट टर्न आउट लाइक दैट. एंड आई होप इवन आवर वेडिंग प्रिपरेशंस जो हमने किए हैं, हमारे जो कपड़े डिसाइड हैं, जो हमने लोग कलर कोऑर्डिनेट करते हैं, हम बिल्कुल कलर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे. हमने कहा वो करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वी वॉन्ट टू शो दैट इट्स नॉट ओनली द कलर दैट यू हैव टू कोऑर्डिनेट, इट्स द पर्सनैलिटीज यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद. सो गौरव ने बहुत ही अच्छी चीज़ कही है, लाइक अलॉन्ग विद द मैरिज प्रिपरेशंस, थ्रू द मैरिज प्रिपरेशन वी रियलाइज्ड कि ये जो छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ कपल. सो वी हैड लॉट ऑफ मोमेंट्स टुगेदर एंड वी रियली एंजॉयड ऑल द प्रिपरेशन दैट वी हैव डन. मतलब अब मैं किसी भी शादी करा सकता हूँ. मेरे को ऐसा लगा मैं जितने भी दोस्त हैं, अगर मैं फ्री हो जाऊँगा एक्टिंग से, तो मैं मैरिज क्या बोलते हैं मैरिज वेडिंग प्लानर बन सकता हूँ. एंड अच्छा काम है आजकल. तो अगर आप अपनी शादी कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट इंडिया फोरम्स, दे विल कॉन्टैक्ट मी. No, not a wedding planner. He will be the supervisor and काम करने वाली मैं रहूँगी. आगे पीछे सब भागूंगी मैं. ये सिर्फ supervise करेंगे. मैं सिर्फ idea दे सकता हूँ. Yeah. मेरे idea 5-5 मिनट में change होते हैं. तो ये है जो उस idea को execute करने में अच्छी है. So you never know, मैं आगे future में ये भी कर सकता हूँ. We can do it. अगर आपकी शादी आपको करवानी है, please गौरव के पास आइए. अभी मैं बिजी हूँ क्योंकि मेरी अपनी शादी है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप आ सकते हैं. हाँ, थोड़े दिन के बाद, दिसंबर में कभी भी आपको शादी करनी है, दिसंबर के बाद प्लीज गौरव के पास आइए. कॉन्टैक्ट गौरव. देवी देखो, अच्छा लगने के लिए थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ती है. और सारी हीरोइनें देखो, श्रीदेवी ने साड़ी पहनी थी स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में, तो उन्होंने मना नहीं किया. आज तक सब लोग होते हैं वाह वाह, यश चोपड़ा की फिल्म श्रीदेवी, उन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे. हाउ मच आर यू पेइंग? तुम्हें मैं मिल रहा हूँ. तुम्हें पैसे क्या कमाई, तुम्हें मैं मिल रहा हूँ बेबी. मैं से मैं क्या करूँ? नहीं, मैं तो ऐसे ट्राई कर रहा था. अच्छा. देखो, अच्छा लगना है तो थोड़ा तो ठंड सहनी पड़ेगी. ओपन शादी में थोड़ा तो ठंड होगी ना. आर यू ट्राइंग टू कन्विंस मी? I am trying to convince that it's going to be awesome weather. For you, because you are going to have all those jackets and the layering. For me, what is it? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ. क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा. तुम्हें शॉल दे सकता हूँ मैं. पर शादी में शॉल कौन पहनता है? कौन पहनेगा? मैं फेरे शॉल लेके दूँगी तो फनी नहीं लगेगा. ठंड तो होगी, ये तो है. मज़ा आएगा. That's the idea, right? अगर थोड़ा सा आपको शिवरिंग नहीं हुई शादी में तो क्या मज़ा. I can shiver in fear. I don't want to shiver in cold. नहीं, हम आपको, we will keep you well fed with coffees and everything and hot chocolates, so you will not feel cold. You will not feel cold. And what if I put on weight? You need to reduce it. With coffee and hot chocolate, what if I put on weight? Then nothing. India forum में fans बता देंगे कि आपका weight बढ़ गया, तो आप कम कर लेना फिर. यही होगा. Exactly, na. So mean you are. I'm very honest, baby. That's why you love me, na. If I'm like diplomat, fake, then why would you like me? Yeah. Gaurav is very honest and very mean. And on the face. And on the face and exceptionally blunt. I'm bad, basically. No, he's not. Yeah, he's not. Can't you understand the power of my romantic eyes कि मुझे बोलना नहीं पड़ा और वो लड़की पहले ही तैयार हो गई शादी के लिए. वो टैलेंट है कि इन्हें कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, करना ही नहीं पड़ा. लड़की अपने आप ऐसी पड़ गई, मतलब समझ गई, समझ में आ गई. कैसे हो सकता है? कैसे कर लेते हैं यार? I don't know, it's a tough job. Somebody has to do it, यार. है ना? बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना? I'm born with that talent. ये टैलेंट को ऐसे छुपा के रखना बड़ा डिफिकल्ट होता होगा ना आपके लिए? I don't know, टेलीविजन वाले मेरे टैलेंट को यूज ही नहीं कर पा रहे. तो इतने सालों तक ये टैलेंट आपने कैसे संभाले रखा? किसी पे आज तक आजमाया क्यों नहीं? है ना, इंडिया फोरम जाना चाहता. चलो टेल मी. मैंने कभी किसी पे भी नहीं आजमाया. क्यों नहीं आजमाया?
क्योंकि मेरे को जब तक लड़की पसंद ना आए मैं क्यों उसकी उसका टाइम वेस्ट करूँ. तुम मुझे पसंद आ गई थी, तुम पसंद आ गई थी तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको बता देते हैं, इसको बोल देते हैं, इसको दिखा देते हैं. इट्स द पॉइंट, आपने बताया नहीं, आपने दिखाया नहीं, आपने बोला नहीं, तो एग्जैक्टली क्या किया आपने. चलिए मैं इंडिया फोरम्स पे आज इस किस्से को ख़त्म करता हूँ और आप सबके साथ, आप सबके सामने आकांक्षा चमोला को प्रपोज करता हूँ कि आकांक्षा चमोला, would you want to marry me? No. Have something. ऐसे खाली हाथ नहीं करते. हलवा. Have something. हलवा मंगाते हैं, बड़ा टेस्टी. मीठा मंगाते हैं. हलवा दे दे. हलवा. तो finally India Forums, क्योंकि मेरे साथ रहा है मेरी टेलीविजन जर्नी में, तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा. और जैसा कि आकांक्षा ने कहा कि मैंने उसे अभी तक प्रपोज नहीं किया है, तुम कैसे फुटेज एकदम ऐसे. सो इंडिया फोरम्स के सामने मैं आकांक्षा चमोला को प्रपोज करता हूँ. एंड क्योंकि मैं एक फूड रेस्टोरेंट में हूँ और इसको स्वीट्स पसंद हैं, तो थोड़ा अनयूजुअल तरीके से प्रपोज करते हैं. आकांक्षा चमोला. यस गौरव खन्ना. वुड यू वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ गोइंग आउट विद मी, ईटिंग स्वीट्स विद मी, and being my wife and raising my future family whenever it will happen? Are you ready to do that? Because if you are, then I'm going to feed you this. And if I'm not, then I will eat it. What to do? So the thing is, then if you eat this, that means you have sealed the deal. Sealed the deal. So let's do it. So are you willing, happily, without any coercion and force? भाई लड़की मान गई. Thank you very much. Hence proposal खत्म हुआ. Congratulations. This girl is off the market and so am I. You can also have and seal the deal. वाह. इंडिया फोरम में आपने देखा गौरव खन्ना ने पहली बार हलवा खिला के प्रपोजल दिया. वाह वाह वाह. बहुत ही मीठा प्रपोजल था. बहुत टेस्टी था, बहुत फैटनिंग था, बहुत कैलोरीज थे. थैंक यू सो मच. दैट्स व्हाट लव डज टू यू, राइट? इट मेक्स यू फैट. लव मेक्स यू फैट. या यू हैव लर्नड दिस. आई हैव नेवर बीन फैट. यू आर नॉट इन लव. ही इज नॉट इन लव येट. है ना? मैं खाने जा रहा हूं पूरा हलवा. पूरा हलवा. आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हो गया. चलो. लव यू टू. आकांक्षा, आज आप इंडिया फोरम्स वालों को कुछ कहना चाहती है, जो ये बहुत दिन से मुझे कह रही थी. मैंने कहा छोड़ी, बोल दो. मैं? हाँ, माइक सीधा पकड़ लो. ओके, थैंक यू इंडिया फोरम्स हम लोग को इतने अच्छे लंच आउटिंग पे लाने के लिए एंड हमारी फेवरेट थाली के साथ हम लोग को ट्रीट देने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, गौरव को भी बहुत पसंद है एंड बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ का. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक इंडिया फोरम्स फॉर लविंग गौरव सो मच फॉर सो मेनी ईयर्स. इतने सारे फैन फॉलोइंग है एंड इतना प्यार, इतना एडमिरेशन और रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग दैट ही इज़ गेटिंग फ्रॉम यू ऑल. सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर दैट. एंड ऑल्सो आई होप कि मुझे भी सेम प्यार मिले आप लोगों से, सेम सपोर्ट मिले एंड वी बोट डू रियली वेल एंड वी हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद ऑल योर ब्लेसिंग्स इन लव. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑन माय जर्नी थ्रू टेलीविजन. एंड अभी आगे कारवां और भी हैं और आपके साथ हर कारवां और सुनहरा बनेगा. सो हमारी तरफ से आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए ढेर सारी नव वर्ष की शुभकामनाएं और वेरी 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 हैप्पी दिवाली. पटाखे जरा देख के फोड़िएगा और कम फोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. ना फोड़ेंगे तो और भी अच्छा है. नहीं, थोड़ा बच्चों को फुलझड़ी वगैरह कर लेने का. नहीं नहीं, डोंट डोंट. No bursting crackers. I love you too, baby. Happy Diwali and have a safe Diwali. Very safe and a sound Diwali, okay? Jai jai Diwali manaiye. Bye. Hi, this is Akanksha Chamola and you are watching me on India Forums. And this is Gaurav Khanna. In case you have forgotten, I am also on India Forums and you will keep watching me on India Forums.